जय श्री राम प्रभु जी। बोली खालू खालू हाँ एक खालू है हाँ तो ये लो। पे ले लूंगी मैं। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई होगी। यो महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् श्रद्धा प्रज्ञा युक्ताश्रया ओम श्री गुरुवे नमः। चलो, ये वाली क्लास हमारी बेसिक की क्लास है, इसमें बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी। तो दोज आर ज्वाइनिंग हियर, ये आप कॉन्सेप्ट आपको मन में रखना पड़ेगा कि आपको इसमें बेसिक ही पढ़ाया जाएगा। ज्योतिष के उस उन बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी जिसके बेसिस पे आप जो है ज्योतिषीय विश्लेषण और अच्छे से उन्हीं उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और उन्हीं का उपयोग करके अच्छे ज्योतिषीय विश्लेषण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जो सबसे पहले बात है समझने की, हम लोगों ने 12 राशियां
तो जो कॉन्सेप्ट है इसको अपने ब्रेन में क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि राशियां जो है 12 ही होगी, और ये जो 12 राशियां होती हैं ये बनती कैसे। जैसे राशि जो होती है वो जो राशियां होती हैं, नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, भाव होते हैं, इन सबके समन्वित स्वरूप, इन सबको कंबाइन करके ही हम एक अच्छा प्रिडिक्शन करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली संभावनाओं का एक अच्छा प्रिडिक्शन इन्हीं सबको मिला के करता है। राशियां, भाव, नक्षत्र। हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करें, इससे पहले 5 मिनट हम सभी लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः दशवितुर्वरेण्यं भूर्भुवस्य नमो धीमहि। देवाय आप लोग 5 मिनट नमो योनः प्रचोदयात्। सर आपने म्यूट कर रखा अपने आपको।
सर वॉइस इज नॉट कमिंग। व्यक्ति ज्यादा समय देगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा प्रेम करने के लिए। ठीक है, हरिओम, फिर बात कर लीजिएगा कल सुबह। हरिओम, आप सभी का ज्योतिष की कक्षा में स्वागत है। मेन इज पेशेंस इन द लाइफ। आपके जीवन में जितना धैर्य होगा उतना ही अच्छा है। आप में से कौन कौन क्लास में उपस्थित है, अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। कोई नया व्यक्ति है इसमें? नीरज जी कैसे हैं? सर फाइन सर, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में? यस सर, आप में से सबसे ज्यादा खुशहाल कौन व्यक्ति है? कोई नहीं, क्या सर मैं भी नहीं हूं। हो गया आपको? आपको भी दुख है किसी बात का? हम लोग क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप लोग जो है अपना अपना वीडियो ऑन करो। निशेश जी,
रंजन जी, सरिता जी, करिश्मा जी, डॉक्टर सरिता मलिक मलिक जी, आपको भी प्रॉब्लम है? हरिओम हरिओम, सर आप प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी क्लास में नई हूँ। नहीं हूँ हाँ जी, न्यू न्यू? स्टूडेंट। अच्छा न्यू, जी जी कोई बात नहीं। हाँ जी आपने जी शहरों वाली क्लास ज्वाइन की थी ना मेरी? जी 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 हाँ जी हाँ जी। रंजन जी आप कहाँ से हैं? प्रणाम गुरु जी, उड़ीसा से। ठीक उड़ीसा से। कैसी चल रही है लाइफ? अच्छा है गुरु जी, चल रहे हैं। अच्छा अरिजीत जी आप कैसे हो? आप लोग अगर ठीक हो अलग गुरु जी? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ये जो ज्योतिष हम लोगों को पढ़नी है, ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, इसका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है, किस वजह से हम ज्योतिष पढ़ रहे हैं? सबसे पहला उद्देश्य आप अपने दिमाग में रखना होना चाहिए कि आपको मानव की सेवा करनी है। मानव की सेवा का मतलब होता है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अब किसी मनुष्य की सेवा हम कैसे कर सकते? ज्ञान से करेंगे। हमारे पास ज्ञान होगा। ज्ञान ही जो है, ज्ञान का प्रकाश, ज्योतिष जो हिंदी में हम बोलते हैं, इसको कह सकते हैं ईश्वर का प्रकाश। ईश्वर की ज्योति, तो जो ईश्वर की ज्योति होती है, उसको धारण करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है मानव की सेवा का। और दूसरा, समाज में जो अंधविश्वास है, ये भी एक फैक्टर आप रख लीजिएगा अपने अंदर। जो ज्योतिष आप पढ़ेंगे वो अंधविश्वास को बढ़ाएगी नहीं, वो घटाएगी। तीसरा क्या करना है, मनुष्य को कर्म की महत्ता बताना है। अक्सर लोग आप देखेंगे कि कर्म को, कर्म का मतलब एक्शन है, दे डोंट गिव टाइम टू द एक्शन। ये लोग अपने, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को महत्व नहीं देता, एक्शन को नहीं। लोग जो है, हमें किसी व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं बनाना है। हम लोगों को जो है कर्मवादी बनाएंगे। ये जो ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं, इसका यही उद्देश्य है। अब बेसिकली जो ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो हमको जो मूल विषय आते हैं वैदिक ज्योतिष में, जिसको आपको हमेशा जानना चाहिए कि वैदिक ज्योतिष के मूल क्या है, किस पे आधारित होते हैं। तो वैदिक जो ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, और माइन्यूट जाएंगे तो 27 नक्षत्र होंगे। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, और कुंडली में 12 भाव। अब ये 9 ग्रह 27 नक्षत्रों का मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा, उसी का हम अध्ययन करते हैं। जो हमारे 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं, कुंडली में 12 भाव होंगे, इनके प्रभाव का जो समन्वित स्वरूप, जिसका आप अध्ययन करेंगे, वही वैदिक ज्योतिष है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र, इसमें एक और जोड़ लीजिए ऊपर से, 12 राशि। ज्योतिष में यही आपको पढ़ना है, 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 भाव। ये बेसिक थिंग है। जो 12 हमारी राशियां होती हैं, राशि चक्र में, अब उसमें होता क्या है कि जब भी कोई घटना जीवन में घटित होती है, इसको आप ऐसे समझें, जब भी कोई चीज संसार में उत्पन्न हुई, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे उत्पन्न हुई, तो उस समय ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, उसी को हम भावों के रूप में देखते हैं। 12 भाव जो होते हैं, उस समय ग्रहों की स्थितियों को बताते हैं। जिस समय मनुष्य का उत्पत्ति हुई है, उस समय की जो ग्रहों की स्थिति है, वही 12 भाव से आते हैं।
तो उसका जब आप अध्ययन करेंगे और उसका मनुष्य के ऊपर प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो ये वैदिक ज्योतिष में आएगा। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारी 12 राशियां हो, जो हमारे पास 12 राशियां है, देखिए सो राशियों का निर्धारण हम कैसे करते हैं। अगर हम आकाश को अपने ऐसे ले लें एक सर्कुलर, अब इसको हमको 12 भागों में बांटना है, 12 पार्ट्स में, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करिए। अब ये 12 भाग हो गया, 12 भाग में इसको अगर आप 12 नंबर्स लिखेंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 का, ये जो 12 भाग होते हैं 12 राशियां हो जाती है। सो 12 राशियों के नाम हो जाते हैं। यहाँ से पहले नंबर वाली राशि जो होती है मेष राशि, दूसरे नंबर वाली राशि वृषभ राशि, तीसरी राशि मिथुन राशि होगी, चौथी जो है कर्क होगी, पांचवी राशि सिंह होगी, छठे नंबर की राशि कन्या होगी, सातवें नंबर की राशि तुला होगी और आठवें नंबर की राशि वृश्चिक होगी, नवें नंबर की राशि धनु होगी, फिर मकर, ये कुंभ राशि और ये मीन राशि। अब ये 12 राशियां जो होती हैं, जो होता ये है कि कुंडली में ये जो राशियां होती हैं ये नंबर्स के फॉर्म में लिखी जाती है। जब ये राशियां नंबर्स के फॉर्म में होती हैं तो जब आप नंबर्स से एसोसिएशन समझेंगे, जैसे एक नंबर जो है मेष राशि को बताएगा, दूसरा नंबर वृषभ राशि को बताएगा, तीसरा नंबर मिथुन राशि को बताएगा, चौथा नंबर कर्क राशि को बताएगा, पांचवा सिंह राशि को, छठवां कन्या राशि को, सातवां तुला को बताएगा, आठवां वृश्चिक को बताएगा, नौवां धनु को बताएगा, दसवां मकर को, 11वां कुंभ को, 12वां मीन। तो ये राशियों को नंबर्स के साथ आप लोग जोड़ लिया। अब इसमें इसके बाद क्या होता है कि राशियों का एक फिर से एक अलग डिवीजन होता है। 12 राशियां हमारे पास हो गई। अब इन राशियों को अगर आपको स्वभाव के आधार पर डिवाइड करना है तो चर होती हैं, स्थिर होंगी और द्वि स्वभाव होंगे। ये राशियों का गुण धर्म होता है, चर राशि, स्थिर राशि, दुष्भाव राशि। अब चर राशि कौन सी होगी? एक नंबर वाली राशि चर हो जाएगी, एक नंबर, दूसरे नंबर की स्थिर हो जाएगी, तीसरे नंबर की दुष्भाव। एक नंबर का मतलब मेष, दूसरे नंबर के वृषभ, तीसरे नंबर के मिथुन, फिर चौथे नंबर वाली राशि कर्क राशि, ये भी चर हो जाएगी, पांचवें नंबर वाली राशि सिंह, ये स्थिर हो जाएगी, छठे नंबर वाली राशि द्विस्वभाव हो जाएगी, छठे नंबर वाली राशि होती है कन्या। सातवें नंबर वाली राशि हो जाएगी तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, दसवें नंबर की राशि होगी मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। सो ये एक अलग डिवीजन हुआ, चर स्थिर द्वि स्वभाव। तो चर राशियां जो होंगी वो 1, 4, 7, 10, स्थिर राशियां हो जाएंगी आपकी 2, 5, 8, 11, और द्वि स्वभाव की राशि जो होगी वो 3, 6, 9, 12। आप लोग बड़े ध्यान से अगर ये बेसिक का कोर्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफी कुछ ज्योतिष का विश्लेषण करना आपको आ जाएगा। चर स्थिर द्वि स्वभाव से, चर वाली राशि एक नंबर की, फिर चौथे नंबर की, सातवें और दसवें नंबर की, स्थिर 2, 5, 9 होगा, 8 नहीं होगा, 2, 5, 8, 11, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 3, 11, 3 3 जोड़ते रहते हैं। अब इसके बाद एक और डिविजन होता है तत्व का।
राशियों के तत्व, कौन सी राशि किन तत्वों की बनी? So, तत्वों में हमारे पास चार तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। एक नंबर की मेष राशि अग्नि तत्व, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की, मिथुन राशि वायु तत्व की, और कर्क राशि जल तत्व की। फिर पांच नंबर वाली जो है सिंह राशि अग्नि तत्व की, छह नंबर की कन्या पृथ्वी तत्व, सात नंबर की तुला वायु तत्व, और आठ नंबर की वृश्चिक राशि जो है जल तत्व। नौवें नंबर वाली राशि जो धनु होती है अग्नि तत्व की, दसवें नंबर की राशि मकर पृथ्वी तत्व की, वायु तत्व। वायु तो नहीं होगा, ये होगा कुंभ। और बारहवें नंबर की राशि जो होती है, ये एक और डिवीजन हो गया था, अग्नि पृथ्वी वायु जल। सो एक एक राशि का जब आपने डिवीजन कर लिया, उनके गुणधर्म भी आपके दिमाग में आ जाएंगे कि कौन सी राशि का कौन सा गुण है। अब इसमें करते क्या हैं, जैसे ये तो दो गुण हैं, तो इसके बाद दो गुण और होते हैं, हम आपको बताएंगे। इसमें होता क्या है, देखिए ये जो हमारी राशियां होती हैं, अब जैसे ये आपने को तीन गुण आपके पास आके देखे, दो गुण। अब ये जो इसके बाद का भी एक विषय है जिसको हम अभी जोड़ते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु जल से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो ये अग्नि तत्व तो हो गया, अग्नि तत्व की जो राशि होगी उनके अंदर एग्रेशन होता है, फायर होता है। एग्रेशन का मतलब आप ऐसे समझो कि ऊर्जा ज्यादा होती है। पृथ्वी तत्व वाली जो राशियां होती है वो स्थिर होती है, स्थिर का मतलब होता है उनके अंदर स्थिरता ज्यादा होती है, रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। और फिर इसी में अगर आप एक और चीज जोड़ेंगे, राशियों की दिशा, कौन सी राशि किस दिशा की स्वामी होती है? तो जो हमारे पास दिशाएं होती हैं वो चार होती हैं, पूर्व, ये पश्चिम होगा, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में आप मेष राशि प्रारंभ करोगे, एक नंबर की मेष राशि, दूसरे नंबर की वृषभ राशि, और तीसरा नंबर जो है थर्ड हाउस, ये जो मिथुन राशि, ये पश्चिम दिशा की स्वामी, कर्क राशि उत्तर दिशा की स्वामी। इसी तरह आप लिखते चले जाएंगे, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। फिर राशियों के लिख लीजिए, पांच नंबर की सिंह हो गई, नौ नंबर की धनु हो गई, छह नंबर की कन्या हो गई, दस नंबर की मकर हो गई, सात नंबर की तुला, 11 नंबर की कुंभ, 8 नंबर की वृश्चिक और 12 नंबर की, ये जो है एक डिवीजन हो गया दिशा का। और एक होता है प्रकृति, प्रकृति में होता है ना, हम लोग को पढ़ाया जाता है, जैसे ये जो जितनी भी राशियां पूर्व दिशा की स्वामिनी होती हैं, ये पित्त प्रकृति की होती है। और फिर दक्षिण दिशा की जो स्वामिनी होती है वो वात प्रकृति की होती है, पश्चिम वाली त्रिदोष की होती है, वात पित्त कफ तीनों होता है। ये जो है आपको रोग निर्धारण निर्धारण सहायता करेगा। जैसे पूर्व
पूर्व दिशा की जो राशियां होंगी उनको पित्त प्रकृति होगी, उनकी प्रकृति पित्त होगी, उनको रोग भी पित्त प्रकृति का होगा। दक्षिण दिशा की जो स्वामी राशियां होती हैं वो वात प्रकृति होती है, और कप प्रकृति उत्तर दिशा में होती है, दोष। अब इसके बाद अगर इसमें आप एक चीज और जोड़ेंगे तो ये चार चीजें आपकी जुड़ जाएंगी। ये जैसे जो राशि होते हैं उनके ग्रह स्वामी होते हैं, जैसे मेष राशि जो है ये अपना घर है मंगल का, मंगल के पास दो घर है, एक मेष और दूसरा वृश्चिक, ये दोनों राशियों का स्वामी मंगल है। अगर आप कहें तो मंगल के पास पहले नंबर की राशि और आठवें नंबर की राशि, ये दो राशियां आपकी। अब दूसरा जो अगर यहाँ पे वृषभ राशि है जो शुक्र के अधीन है, शुक्र, और दो नंबर की राशि और सात नंबर की राशि ये तुला राशि, ये शुक्र के अधीन है, दो और सात। तीसरा देखिए यहाँ पे मिथुन राशि है, ये जो है बुध के अधीन आती है, एक और है बुध के पास वो कन्या राशि। सो बुध के पास जो दो राशियां आती हैं वो हैं 3 नंबर की मिथुन राशि और 6 नंबर की कन्या राशि। आगे बढ़िए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, ये कर्क राशि है इसका स्वामी चंद्रमा, इसके पास सिर्फ एक ही है कर्क राशि न लिख करके यहाँ पे चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि के मालिक होते हैं, ये चौथे नंबर की राशि। पांचवा सूर्य जो है ये सिंह राशि जो है इसका, इसकी ओनरशिप जो है सूर्य के पास है। छठा देखिए, ये सब भर गया। अब छठा धनु राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, गुरु के पास दो घर है, गुरु धनु राशि और मीन राशि। गुरु के पास 9 नंबर है और 12, इसके बाद आता है शनि। शनि के पास भी दो राशियां हैं, 10 और 11। तो ये जो है ग्रह और राशि ये पार्ट दिमाग में हमारे पास हमेशा होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप आकाश को, आकाश हमारा 360 डिग्री का होता है, इसको 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक राशि जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। ये जितने पार्ट है ना 0 to 30, ये मेष राशि होती है, 30 to 60 वृषभ राशि, 60 to 90 मिथुन राशि, 90 to 120 कर्क राशि, 120 to 150 जो है सिंह राशि, 150 to 180 कन्या राशि, 180 to 210 ये तुला राशि है, 210 to 240 वृश्चिक राशि, 240 to 270 धनु राशि, 270 to 300 ये मकर है, 330 कुंभ है, और 360 है। तो ये राशि का डिवीजन है। सो इसको अगर आप अच्छे से अपनी मन स्थिति में अगर याद नहीं कर सकते तो चार्ट बना के रख लीजिए। चार्ट बना के रखने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि कभी भी ज्योतिष पढ़ते वक्त याद करने का अभ्यास कोई भी व्यक्ति ना करे, क्योंकि तो याद करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे कुछ आता नहीं। इसको चार्ट पर लिख करके अपने पास हमेशा रखे रहिए, जिस टेबल पे आप बैठते हो, जो आप जहाँ पे पुस्तक रखते हैं वहां पे इसको रखते हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा, इससे आपको बहुत कुछ जानने और समझने में सहायता होगी। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस कोर्स को जो लोग भी करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग देख करके अपना नंबर लिख दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप करिएगा, आपको कोर्स से ज्वाइन करा देंगे। इसकी जो फी है वो 999 है। आप में से भी जिन लोगों ने पे नहीं किया होगा वो पे कर दीजिएगा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इच्छा होगी इस कोर्स को ज्वाइन करने की, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको ज्वाइन करा देंगे। अब इसमें करना क्या है देखिए, जैसे जो मैंने ये चार्ट आपको बताया है, तो शुरू से आप शुरू कर लो,
कहाँ से शुरू करेंगे कि हमें वैदिक ज्योतिष में 12 राशियों को पढ़ना पड़ता है, 9 ग्रहों को पढ़ना पड़ता है, 27 नक्षत्रों को पढ़ना पड़ता है, और इनको मिला करके जब हम उसका प्रभाव किसी मनुष्य के ऊपर पढ़ते हैं तब उसे हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष, इसका अध्ययन करते हैं। यही वैदिक ज्योतिष में आपको पढ़ना है और ये 15 क्लासेस होंगी जो लोग इसको देख। एक बात और, एक चीज का अभ्यास करिएगा कि वीडियो देखने का प्रयास न करिएगा, लाइव क्लास में आ पाएंगे। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा और फिर आपको अगर इच्छा जागृत होगी एक प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो हम आपको काम दिलवा देंगे, क्योंकि जितना हम बेसिक में पढ़ाते हैं लोग एडवांस में पढ़ाते हैं, उतना पढ़ने के बाद आराम से आपका 10-15 मिनट का प्रिडिक्शन आपका आराम से हो जाएगा। बाकी की ज्योतिष आप धीरे धीरे पढ़ते रहना, क्योंकि ज्योतिष जो है 15-20 कक्षा में नहीं, वो पूरी जीवन भर पढ़नी पड़ती है। इसमें उपाय भी होते हैं, अब कुंडली के बहुत सारे योग भी होते हैं, उन सारी चीजों का अध्ययन करने में समय लगता है, पर उतना तो हम आपको पढ़ा देंगे जिसकी जिसका उपयोग करके आप अपना काम चला सकते हो और उसके बाद आप अपना अध्ययन जारी रखिए। भाई ज्योतिष की पढ़ाई पूरे जीवन भर चलती है, फिर पूरी नहीं हो पाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ ले, क्योंकि 3 मिनट का समय बचा है, हम म्यूट करके पूछ सकते हैं। अब अगली कक्षा जो होगी फिर परसों एक दिन के बाद होगी। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है? हाँ किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं? बहुत अच्छा, बताइए। गुरुजी निशेष रहा, ये जो आपने चार पात पित्त वात कफ बताया, इसमें पश्चिम दिशा क्या बताया था? तो अभी भी बना हुआ है, देख लीजिए जी अभी भी चार्ट बना हुआ है, खोल देते हैं इसको, देख लीजिए। हाँ, वो चार्ट ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, त्रिदोष त्रिदोष। वात पित्त कफ, तीनों वात प्लस पित्त प्लस कफ। अच्छा, तीनों हैं सर, बात पित्त कफ तीनों हैं दिशा में। जी, अब समझ में आ गया। ठीक है सर, ठीक है जी। नीरज जी आपको समझ में आया? यस सर, हमको समझ में आ रहा है। सरिता जी आप समझ पाई? हाँ जी सर, ये त्रिदोष का मतलब नहीं समझ में आया, त्रिदोष मतलब? तीनों दोष एक साथ, वात की बीमारी होगी, कफ की बीमारी होगी, पित्त की बीमारी होगी। अच्छा, एक्चुअली मेरी राशि जो है ना मिथुन है, तो मुझे त्वचा संबंधी रोग बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, हाँ जी, डॉक्टर साहब आपको परेशान तो नहीं करते? कोई हाँ जी, बात नहीं, वो भी जुड़े थे, कहीं चले गए क्या? नहीं, वो शायद पता नहीं छोड़ दिया होगा, लीव कर दी क्लास। हाँ, ठीक है, आज की कक्षा में समाप्त करते हैं, साथ में फिर परसों। ओम दयो शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, रात और शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, ओम शांति शांति।